हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं इस टाइम। तो ये क्वेश्चन दे रखा एफटी का, मैं दे रखा ग्राफ। इसे देख के मैं पहले उसका फंक्शन लिखेंगे, देन हम उसका कॉम्प्लेक्स फोरियर एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो अगर इसे ध्यान से देखो, ये एक पीरियड में ऑन है, एक में ऑफ है। तो हमें पता है इस टाइप की तो साइन वेव हुआ करती थी। तो इसमें अगर हम इसका पीरियड फाइंड कर लें, अगर ये साइन वेव है तो ये किस टाइप की दिखाई देगी? एफ टी, ये इस कुछ इस टाइप की देख रही है, साइन ओमेगा नॉट टी। अब हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि ये इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसको ये अपने आप को कब जाके रिपीट कर रही है? 2π सेकेंड के बाद, है ना। और हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू पता होती है, ये होती है 2π/2 नॉट, यानी 2π/T नॉट। ओमेगा नॉट कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकेंड। अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? साइन टी का ग्राफ है भाई। ये कैसा ग्राफ है? साइन टी का ग्राफ दे रखा है ये। अब हमें इसके लिए फाइंड करना है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। मुझे पता अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? k = −∞ to +∞ ck e की पावर j ओमेगा नॉट kt, ठीक है। ck की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/T नॉट, यहाँ पर t नॉट, नेक्स्ट ft और e की पावर −j ओमेगा नॉट kt dt। बस इसमें वैल्यू रख दो और अपना काम बन गया। सी के की वैल्यू फाइंड की हमने, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/T नॉट की वैल्यू है हमारी 2π। हमारा जो फंक्शन एग्जिट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2π, 0 से π, ठीक है। एफ टी की वैल्यू कितनी है? साइन टी। ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा के टी डी टी। ये कितना आ जाएगा? 1/2π 0 to π साइन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? e की पावर j t - e की पावर -jt/2j e की पावर -j kt dt। इसको मैं बाहर ले आया और मैंने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर ली तो मुझे क्या मिलेगा? 1/4π j 0 to π। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई की और j कॉमन ले लूँगा मैं, ठीक है। e की पावर j तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा? t भी कॉमन ले लूँगा तो 1 - j के, sorry j तो कॉमन ले गया 1 - k t। ऐसे इस वाले के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस जे कॉमन और t तो कॉमन रह गई बाहर, 1 + k t। हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो कोई भी कर देगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, c के कितना आ जाएगा? 1/4 j। इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर j 1 - k t j 1 - k, ठीक है। ये आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका आएगा e की पावर -j 1 + k t, यहाँ पर आएगा माइनस जे और 1 + k 0 से π, ठीक है, 0 से π। तो c के जो आ गया हमारा कितना आ गया? अगर मैं यहाँ से j कॉमन ले लूँ, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा ये 4π j, जे मैं कॉमन ले आया और लिमिट लगा रहा हूँ मैं हाथ हाथ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? e की पावर j 1 - k π, है ना। नीचे से मैं j कॉमन ले चुका हूँ तो 1 - k बचेगा, माइनस 0 लगाया तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, नीचे बचा 1 - k। ये तो प्लस हो चुका, तो e की पावर अगेन लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे ये प्लस ही है, e की पावर -j 1 + k π, है ना। नीचे कितना, यहाँ से कितना बचेगा? j तो कॉमन जा चुका, 1 + k, अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 लगाने पे 1। एक सेकेंड, आगे देखो यहाँ पे क्या होगा। जे स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -4π बचेगा ये। इसको मैं देखो ऊपर ऊपर अलग, ये 1 - k वाले को मैं एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे कितना बचेगा, ई की पावर जे पाई इंटू ई की पावर माइनस जे के पाई, ये इसका माइनस वन। ऐसे यहाँ पे एलसीएम ले लो, वन प्लस के आ जाएगा ये, क्या यहाँ एलसीएम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस जे पाई इंटू ई की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस जे के पाई माइनस वन। तो सी के इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया माइनस फोर पाई, कितना हो जाएगा ये, ई की पावर जे पाई माइनस वन होता, ई की पावर माइनस जे पाई ये माइनस आ गया यहाँ पे, ई की पावर माइनस जे के पाई माइनस वन, वन माइनस के, ऐसे यहाँ पे ये माइनस आ गया तो माइनस ई की पावर माइनस जे के पाई माइनस वन अपॉन वन प्लस के। इस वाले माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सबको ये प्लस कर देगा अंदर जाके, वन अपॉन फोर पाई, तो ई की पावर जे के पाई माइनस वन सॉरी प्लस वन प्लस ई की पावर माइनस जे के पाई, यहाँ पे ये माइनस है, प्लस वन अपॉन वन प्लस के। तो यहाँ से सी के कितना आ गया, ये ऊपर वाली चीज़ जो कॉमन है उसको मैं ले लिया बाहर, वन माइनस ई की पावर माइनस जे के पाई अपॉन फोर पाई, और नीचे ले रहा हूँ एलसीएम, तो ये वन माइनस के और वन प्लस के, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की वन प्लस के और इधर की तो वन माइनस के, वन के से के कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा टू वन माइनस ई की पावर वन माइनस जे के पाई, ये हो गया टू, ये हो गया फोर पाई मल्टीप्लाई बाय वन माइनस के स्क्वायर, टू से ये टू टाइम्स कैंसिल। तो सी के क्या आ गया, यहाँ से सी के आ गया वन माइनस ई की पावर माइनस जे के पाई अपॉन टू पाई वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, सी के की वैल्यू निकालनी होती है, अब सी के की वैल्यू आ गई, सी के की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, ये जो हमारा सिग्नल था ठीक है, यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू वन है, यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है सी के इसमें सिग्नल में, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सी के की वैल्यू आई है वन माइनस ई की पावर माइनस जे के पाई टू पाई वन माइनस के स्क्वायर, वन माइनस ई की पावर माइनस जे के पाई और टू पाई वन माइनस के स्क्वायर इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा, जे ओमेगा नोट की वैल्यू है वन के टी। ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर, ये वन प्लस है सॉरी, यहाँ पे सारा प्लस हो गया था ना, ये तो प्लस है ना, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेना, वन प्लस। तो ये आ गया इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज हमने निकाल दिया, इस टाइप से होगा। तो आई होप आपको समझ आएगा, आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स टी दे रखा हमें, हमसे पूछा गया सी के क्या होगा, मैंने कहा था जब भी अगर ये दिखता है हमें डेल्टा फंक्शन दिखे, ये इम्पल्स फंक्शन देखे, हम क्या करते हैं ऐसे इंटरवल में डिवाइड करना कि वो केवल एक ही कवर हो। तो यहाँ पे कब कब रिपीट कर रहा है ये, टी नोट की वैल्यू आ गई फाइव हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो हम टी बाई टू कैसे लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू लेते हैं ना, तो मैं यहाँ से लूँगा, अपनी मर्जी है टी वाई टू की वैल्यू लेना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टी वाई टू होगा और यहाँ से यहाँ तक ये टी नोट बाई टू होगा। तो सी के कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी नोट यानी फाइव, यहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ ये, माइनस टी नोट बाई टू से यानी माइनस फाइव बाई टू से लेके फाइव बाई टू, ये उस दौरान इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो पर एक इम्पल्स है और जिसका एरिया टेन है, टेन डेल्टा टी, ए की पावर यहाँ होता था माइनस जे, ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू पाई अपॉन फाइव है ना, यहाँ पे लगा दो टू पाई अपॉन फाइव के टी। अब यहाँ पे देखो ये टी कस टू जीरो क्या इन दोनों लिमिट के बीच में आता है क्या, बिल्कुल आता है, माइनस इसके बीच में आएगा ये, अगर इसके बीच में आएगा मैं तो टी कस टू जीरो लगा दूंगा इसमें, फाइव से ये टू टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना बचेगा हमारे इसमें, इस ई की पावर में जीरो हो जाएगा ये टी कस टू जीरो लगाने के बाद, ठीक है, तो सी के कितना आ जाएगा मेरा, टू आ जाएगा, ठीक है, तो सी के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, टू होगी। आगे देखो ये वाला मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी,
इस वाले को मैं करा चुका हूँ, कैसे लिखते हैं इसको, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अगर पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो इसे 1 cos 2t/2 लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 + 1/2 cos। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो यहाँ से देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2, तो बस यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 आ गई, इसको लिख लो उसके फॉर्म में e^j ओमेगा, यहाँ पे कितना 2t + e^-j 2t/2, इसको अलग कर लो, यहाँ से ये कितना आ गया 1/2 + 1/4 e^j ओमेगा नॉट की वैल्यू 2, k की वैल्यू आ गई 1t, ऐसे अगले वाले के लिए हो जाएगा j2 - 1t। तो यहाँ से देखो क्या क्या आया, c0 तो आया मेरा 1/2, और हम यहाँ से आया c1 कितना आया 1/4 और c-1, ये मैं करा चुका हूँ एग्जाम्पल में अगर पीछे जाके देखोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा, सी के की वैल्यू दे रखी है हमें, xt हमसे पूछेगा इस बार सी के की दे रखी है, तो हमें पता है xt = क्या होता है, k = −∞ to +∞, c k e^j ω0 kt dt, ओमेगा नोट की वैल्यू 2π दे रखी है इसने ऑलरेडी, ठीक है। तो सी के की वैल्यू मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरा xt क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा सी के का वैल्यू, सॉरी सी के का वैल्यू तो मुझे दे रखा है j ∆k−1 − j ∆k+1, आगे इसको लिखो ऐसे ∆k+3 और ∆k−3 (e^ω0) ये हमारा 2π दे रखा kt भाई, इसको आप क्या कर देना सेपरेट कर लो भाई, इतना काम करना और कुछ नहीं, k = −∞ to ∞, ∆k−1, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई करते चले आओ, इतना ही काम करना, ये माइनस है बीच में, j ∆k+1 e^j 2π t, है ना 2π kt। आगे देखो इस वाले के लिए लिखो k = −∞ to ∞, ∆k+3 e^j 2π kt, अगेन यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा k = −∞ to ∞, ∆k−3 और e^j 2π kt। अब बस इसको देखना जो इम्पल्स फंक्शन है उसकी वैल्यू जो लिमिट के बीच में आ रही है तो ठीक वैल्यू रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज 0। यह आ गया k = 1 पे एक इम्पल्स है, तो k = 1 क्या इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा, तो फंक्शन में क्या कर दूंगा मैं केवल k = 1 लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा e^j 2π t, k की जगह 1 लगा दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे ही -j k ∆k = −1 पे है वो इन दोनों बीच में ही आता है, तो k = −1 लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e^−j 2π t, ठीक है। यहाँ पर k = −3 इन दोनों लिमिट के बीच में आता है, k = −3 लगा दो यहाँ पे कितना आ जाएगा e^−j, ये हो जाएगा 6π t, और यहाँ पे लगाऊंगा तो आ जाएगा e^j 6π t। अब यहाँ पे देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ से j कॉमन तो यहाँ से कितना आ जाएगा e^j 2π t - e^−j 2π t, इसको ऐसे लिख लिए, और इसको क्या लिख लूँगा मैं e^j 6π t + e^−j 6π t, इन दोनों को एक पास लिखा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या करना पड़ेगा 2j से डिवाइड और 2j से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा xt कितना आ जाएगा मेरा 2j की 2j से मल्टीप्लाई की तो -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा sin 2π t, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये cos, यहाँ पे प्लस है तो cos 6π t, ठीक है। तो ये पूरे xt की वैल्यू आ चुकी है -2 sin 2π t + 2 cos 6π t, तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं जब sc के दे रखा हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अभी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।